विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। अस्पताल में नसबंदी शिविर में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा एक महिला को अपनी जान गंवा कर उठाना पड़ा। घटना एमपी के शिवपुरी जिले के पोहरी सामुदायिक अस्पताल केंद्र की है। आरोप है कि महिला की जान जाने के मामले अस्पताल के स्टाफ ने लापरवाही बरती है। वहीं उसकी जान जाने के बाद 3 डॉक्टरों की पैनल ने कैमरों की निगरानी में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। मृतिका की ननंद के मुताबिक शनिवार को पोहरी के सामुदायिक अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर में डाक बाबर की रहने वाली 26 साल की कौशल्या आदिवासी को आशा कार्यकर्ता नसबंदी कराने के लिए शिविर में लेकर पहुंची थी। उसने मदद के लिए अपनी ननंद कमलेश को बुला लिया था। कौशल्या का LTT ऑपरेशन करने के बाद उसे पलंग पर लिटा दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद वह दर्द से तड़पने लगी, जिस पर ननंद कमलेश ने वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा करते हुए कहा कि थोड़ा बहुत दर्द होता है। कुछ देर बाद दर्द और भी बढ़ गया तो ननंद ने फिर नर्सिंग स्टाफ को बुलाया, जिन्होंने कौशल्या की हालत देख डॉक्टरों को बुलाया, जिसके बाद महिला को तत्काल शिवपुरी रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में CMHO पवन जैन का कहना है, पोहरी में नसबंदी का मामला आया था, महिला को शिवपुरी अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी जान चली गई। महिला के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता दी है। वहीं इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुखद है कि एक आदिवासी महिला की LTT ऑपरेशन के बाद में मौत हो गई और लगभग 4 घंटे बाद उसकी मौत हुई है। ऑपरेशन के उसको वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद शिफ्ट किया गया जिला चिकित्सालय, लेकिन जिला चिकित्सालय पहुँचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और हम लोगों ने ये भी चेक किया कि प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया है कि नहीं, जो शासन द्वारा निर्देशित हैं, तो उसमें प्रोटोकॉल्स का पालन तो किया गया है। हमारी PM रिपोर्ट अवेटेड है, साथ में हमने एक जांच कमेटी भी गठित कर दी है, जिसमें हमारे जो फैमिली प्लानिंग ऑफिसर हैं DHO 2 वो हैं डॉक्टर अलका त्रिवेदी और हमारी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीजा शर्मा उसमें शामिल हैं। हमने प्राथमिक तौर पे उनके परिवारजनों को 50,000 रुपये का चेक कल उपलब्ध करा दिया है। बाकी जो शासन के नियमानुसार एक्सेशिया मनी जो कुल राशि 2 लाख रुपए दी जाती है, उसमें से बाकी 1.5 लाख रुपए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से स्वीकृत होकर उसको मिल पाए। क्या इसमें कोई डॉक्टरों की या अन्य स्टाफ की लापरवाही उजागर हुई है क्या? अभी जांच का विषय है ये, हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर कोई कड़ी इसमें कमजोर है तो हम उसको सुधारेंगे, और अगर इसमें किसी की लापरवाही है या दोषी है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। के नहीं ते बो आई जाके से। अच्छा, और हमें आए सासरेन से फौर। अच्छा, डायरेक्ट सासरे से आयो? हाँ, हम तो सासरेन से फौर जाए। और इसके संग में कोई नहीं आया है ना? और आंगनबाड़ी वाली आई नहीं है? आंगनबाड़ी वाली आशा कार्यकर्ता का नाम क्या है आपको बता? उसको नहीं जानते लाला, जानते हैं। अच्छा, अस्पताल से कोई आया है तुम्हारे संग में यहाँ पे? अस्पताल से कोई आया है संग में यहाँ पे? पोरी पोरी के अस्पताल से कोई संग में आया है अस्पताल वाला स्टाफ? कोई नहीं आया, मतलब कोई अस्पताल का कोई नहीं आया ना तुम्हारे संग में? शिवपुरी से राकेश बोस, सागर TV न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720042083।